पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की पावर क्या होती है हम समझते हैं लेंस की पावर को। मान लो ये हमारे पास में एक कन्वेक्स लेंस है एंड वी नो दैट व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट पासिस थ्रू ए कन्वेक्स लेंस तो क्या होगा, ये लेंस इन रेज को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, राइट। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, राइट। सो ये रेज, यदि हम इन रेज की बात करते हैं तो इस रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये वाला था, लेकिन लेंस ने क्या किया, इस रे को यहाँ से इस एंगल से डेविएट कर दिया। तो ये जो पावर ऑफ डेविएशन है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, और लेंस ने क्या किया, जब ये पैरेलल रे जाते हैं यहाँ से इनको डेविएट कर दिया। इसी प्रकार से यदि हम इस रे के ओरिजिनल पाथ की बात करेंगे तो इस रे का ये ओरिजिनल पाथ था, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, पैरेलल रेज है, राइट। इसी प्रकार से हम मान लो हमारे पास में और कोई लेंस लेते हैं, सपोज दिस इज अनदर कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज ए पैरेलल बीम ऑफ, दिस इज ए रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब ये रे यहाँ से लेंस से डेविएट होने के बाद में सपोज यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे मिलती है। अगर हम यहाँ बात करें और यहाँ देखते हैं, हम दोनों में यदि कंपेयर करें तो वी कैन से दैट यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस लेंस ने रेज को ज़्यादा डेविएट किया है, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार से सपोज वी हैव अनादर लेंस, ये हमारे पास में और कोई लेंस होता और ये पैरेलल रेज को बिल्कुल और कम एंगल से डेविएट करता, सपोज ये ओरिजिनल रे है, दिस इज द पाथ ऑफ रे, और ये बिल्कुल कम एंगल से डेविएट करता और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ आके मिलती, देन दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो यदि हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों में सबसे ज़्यादा एंगल से जो रे डेविएट हुई वो इस लेंस के लिए डेविएट हुई हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस लेंस की जो पावर है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, इसने सबसे कम एंगल से डेविएट किया है, इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डेविएट, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज, वी नो दैट ए कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है, या फिर ये रे अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। सो लेंस की ये जो एबिलिटी रेज को डेविएट करने की, इसी एबिलिटी का नाम क्या है, इट इज़ नो कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। सो व्हाट इज डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डेविएट ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। इन द सेम वे यदि हम कन्वेक्स लेंस की जगह यदि कनकेव लेंस ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए कनकेव लेंस और ये हमारे पास में क्या हो गया, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस और ये वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, हमें पता है कि ये रे कनकेव लेंस से डेविएट होने के कनकेव लेंस में से जब पास होंगे तो दिस विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओरिजिनल रे ये वाली थी, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। सो जितने अधिक एंगल्स इनको डेविएट करेगा उतनी क्या बोलेंगे, लेंस की पावर को हम ज़्यादा कहते हैं। सो कोई सा भी लेंस हो, कन्वेक्स हो कनकेव हो, पावर का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डेविएट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज हो जाती हैं, कनकेव है तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन फिर से इनको एक्सटेंड करके लाएंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट से हमें मिलती हुई दिखाई देती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। अब देखो यदि हम यहाँ से बात करते हैं, हमने ये कहा कि इस लेंस ने सबसे ज़्यादा एंगल से डेविएट किया, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस है इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। सो जितना अधिक एंगल ऑफ डेविएशन होगा फोकल लेंथ ये वाली क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसको हम एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं, लेट अस टेक अनदर डायग्राम, कन्वेक्स लेंस पैरेलल रे, जब ये रे यहाँ से कन्वर्ज होती है तो कहाँ से पास होती है, लेंस के प्रिंसिपल फोकस से। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर
एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, राइट। एक हम इस केस की बात करते हैं, एक दूसरा डायग्राम और लेते हैं हमारे पास। सपोज वी हैव अनदर कन्वेक्स लेंस, और इस कन्वेक्स लेंस के लिए यदि हम बात करते हैं, सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, और यहाँ से लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये यहाँ से पास होते हैं, तो इस केस में दिस इज फोकल लेंथ और यहाँ पर फोकल लेंथ ये होगी। अब हमने देखो डिफाइन कैसे किया था कि कोई लेंस रेज को जितना ज़्यादा एंगल से डेविएट करेगा उसकी पावर क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम इन दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन कंपेयर करते हैं तो दिस इज इन दिस केस एंगल ऑफ डेविएशन इज ग्रेटर देन दिस एंगल। सपोज दिस इज डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा टू, लेकिन जब एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा हुआ तो ये जो फोकल लेंथ है दिस बिकम्स लेस देन दिस, वी कैन से दैट एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू। इसका मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर क्या उतनी ही कम है, इसकी फोकल लेंथ कम है तो हमने क्या क्या कहा, इसकी पावर ज़्यादा है। सो पावर के लिए जो फार्मूला आ जाएगा क्या होगा, देखो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ग्रेटर द फोकल लेंथ स्मॉलर इज पावर, स्मॉलर द फोकल लेंथ ग्रेटर इज पावर। इट मीन्स पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय द रिलेशन पी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो रिलेशन बिटवीन पावर, या वी कैन से दैट फार्मूला ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू पावर इज गिवन एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो नाउ यू कैन सी दैट पावर इज गिवन बाय द रिलेशन 1 बाय f। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, हमने जो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। सो वी कैन से दैट 1 बाई एफ इज नोन एज पावर। सो पावर क्या होगी, पावर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। सो वी कैन से दैट दिस इज द फार्मूला फॉर पावर ऑफ ए लेंस। नाउ पावर ऑफ ए लेंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। सो पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, यदि हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, तो कन्वेक्स लेंस के केस में पावर इज पॉजिटिव। इन केस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए पावर क्या होगी, बिकॉज कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। सो कनकेव लेंस की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। नाउ वी विल डिफाइन यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। पावर की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, दैट इज कॉल्ड डायोप्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी के द्वारा। पावर एस, पावर की लेंस की पावर की जो SI यूनिट होती है क्या बोलते हैं, इसको हम डायोप्टर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी के द्वारा। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी लेंस की पावर को हम 1 डायोप्टर का बोलेंगे। पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 meter, then its power is 1 diopter. We can say that then its power is 1 diopter. If focal length of a lens is given in centimeter, यदि किसी lens की focal length centimeter में हो तो उस case में क्या करेंगे, first we will convert focal length into meter, so that is power is equal to 1 upon f
एफ यदि सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, सो पावर क्या आएगी, 100 बाई एफ, इफ़ एफ इज इन सेंटीमीटर। यदि एफ किस में दे रखा हो, सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो लेंस की पावर को निकालने के लिए मेथड क्या आ जाएगा, 100 बाई एफ। यदि फोकल लेंथ मीटर में हो तो डायरेक्टली हमें फार्मूला यूज करना है, पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यदि फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में। यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो, देन पावर इज इक्वल टू 100 बाई एफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर गिवन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 100 सेंटीमीटर। यदि हम ये दे रखा हो कि किसी लेंस के लिए फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज इट्स पावर, देन वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 100 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। सो वी विल यूज द रिलेशन 100 बाई एफ, और एफ किस में हो, सेंटीमीटर में। हमें क्या दे रखी थी, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, देन पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, राइट। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन -25 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। यदि पावर नेगेटिव में आ रही है, इट मींस लेंस इज कनकेव। यदि पावर पॉजिटिव में आएगी तो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स। यदि पावर नेगेटिव में आती है तो कनकेव लेंस होगा। उसी प्रकार से इफ़ वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सपोज ये हमारे पास में एक कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अनादर कनकेव लेंस, और उसके बाद में और कोई लेंस पुट कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट पावर निकालने का जो फार्मूला होता है, इफ़ वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस कंबाइन कर दिया हमने, इफ़ वी हैव मोर देन वन लेंस, टू और मोर देन टू लेंसेज, देन इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए जो मेथड है वो क्या होता है, पावर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। इफ पावर इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव पुट कर देंगे, पावर नेगेटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव पुट कर देंगे। सपोज जैसे ये लेंस है, मान लो इसकी पावर दे रखी है हमें 10 डायोप्टर, इसकी पावर दे रखी हो -5 डायोप्टर, तो इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगी दोनों को मिला के, 10-5, दैट इज इक्वल टू 5। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट पावर ऑफ ए लेंस। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।